शाहगढ़ के जंगल में मिले 31 हथकोले, जांच में जुटी पुलिस और वन विभाग की टीम। बम निरोधक दस्ता ने सभी हथकोलों को किया नष्ट, आवाज से थर्राया जंगल। सागर जिले के शाहगढ़ वन परिक्षेत्र के अमरमऊ जंगल में हथकोला रखे होने की सूचना वन विभाग को मिली। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में वन परिक्षेत्र के कंपाउंड 508 में हथकोला मिलने की सूचना शाहगढ़ थाना प्रभारी को दी। पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने जंगल में एक साथ रखे 31 हथकोला को जब्त कर सागर बम निरोधक दस्ता को जानकारी दी गई। सागर से शाहगढ़ पहुंचे बम निरोधक दस्ते के टीम प्रभारी विनय तिवारी, टेक्नीशियन मनोज विश्वकर्मा, पंकज शर्मा एवं वाहन चालक यशवंत हारू ने हथकोले जंगल में एकांत स्थान पर गड्ढे में एक साथ नष्ट किए। पुलिस एवं वन विभाग से मिली जानकारी अनुसार हथकोले जंगल में शिकार के लिए रखे गए होंगे, जिन्हें नष्ट कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। ज्ञात हो शाहगढ़ में इसके पूर्व 6 फरवरी को भी वार्ड 15 में एक गाय का हथकोले से मुंह फट गया था। एक माह बाद गाय की मौत हो गई थी। सूत्रों के अनुसार शाहगढ़ क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा शिकार करने के लिए हथकोले का उपयोग किया जाता है। शायद शिकार करने के उद्देश्य से ही इतनी बड़ी संख्या में हथकोले जंगल में जगह जगह रखे गए थे, जिन्हें समय रहते नष्ट कर दिया गया है। सर, आज जो कुछ हथकोले में जंगल में स्वार्थ हुई जानकारी दे दीजिए। आज सुबह वन विभाग सागर की तरफ से एक आवेदन आया था कि उनकी जो वन विभाग का क्षेत्र है खरगा टोला, उस जंगल में कुछ बम जैसी कोई वस्तुएं रखी हुई हैं, लावारिस स्थिति में रखी हुई, जिसे जाकर देखा तो जो सुअर मार बम के 31 नग पड़े हुए थे, लावारिस स्थिति में थे, तो उन्हें वहां से सुरक्षित बम डिस्पोजल टीम के द्वारा बुलवाकर नष्ट कराया गया है और कोई जन की हानि नहीं हुई है। मून स्टार न्यूज़ 24 के लिए शाहगढ़ संवाददाता की रिपोर्ट।